गुड मॉर्निंग मैम। दुकान या बाजार से खरीदते हैं? शाबाश। आप जो दुकान या बाजार में जो वस्तुएं बेचता है उसे आप क्या कहते हैं? दुकानदार कहते हैं। दुकानदार कहते हैं या विक्रेता कहते हैं? विक्रेता। अब विक्रेता का अब क्या कार्य होता है? वस्तु का क्रय विक्रय करना। शाबाश। वस्तुओं का क्रय विक्रय करना या व्यापार करना। व्यापार। ठीक है, अब ये बताइए व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? व्यापार दो प्रकार के होते हैं। शाबाश। कौन कौन से? देसी और विदेशी व्यापार। शाबाश। देसी और विदेशी व्यापार। तो ये बताइए विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? नहीं पता? ठीक है, आज मैं विदेशी व्यापार के बारे में आपको कुछ जानकारियां दूंगी या विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार क्या होता है? आप पहले आप समझिए व्यापार क्या होता है। जब हम किन्हीं वस्तुओं का या सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यापार। ठीक है, और व्यापार के कितने प्रकार होते हैं? व्यापार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है देशी व्यापार। देशी व्यापार वह व्यापार होता है जो हम एक देश की सीमा के अंदर करते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो उसे क्या कहते हैं? देशी व्यापार। और विदेशी व्यापार वो होता है जब हम एक देश की सीमा से बाहर यानी दूसरे देश से व्यापार करते हैं उसे क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार। ठीक है, जैसे हम एक देश में कुछ चीजें होती कुछ सामान होते जैसे हमारे यहाँ के हिमाचल के फल, हिमाचल और कश्मीर के सेब बहुत प्रसिद्ध, तो जो इसका हम निर्यात करते हैं यानी जो हम बाहर दूसरे देशों में भेजते हैं उस व्यापार को क्या कहते हैं? लेन देन को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कॉफी, कॉफी अच्छी होती है, कॉफी का उत्पादन अच्छा होता है, चाय का उत्पादन अच्छा होता है, तो ये जो हमारे देश में अधिक जिसका अधिक उत्पादन होता है हम उसका क्या करते हैं? दूसरे देशों से व्यापार करते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है? क्या? मुद्रा। ठीक है, उससे हमारा हमारे देश को आर्थिक रूप से लाभ होता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? विदेशी व्यापार एक देश या एक से अधिक देशों के साथ किए गए व्यापार को क्या लेन देन को या क्रय विक्रय को
हम क्या कहते हैं विदेशी व्यापार। ठीक है, विदेशी व्यापार पहले देखते हैं व्यापार। ठीक है, व्यापार के कितने प्रकार होते हैं? जो एक देश से और एक देश या दूसरे देश तक किया जाए व्यापार उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। और क्या होता है? एक या एक से अधिक देशों के साथ विदेशी व्यापार कहते हैं। समझ में आया? यानी एक या एक से अधिक देशों के बीच किए गए क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? हम विदेशी व्यापार। ठीक है, विदेशी व्यापार के दो पहलू होते हैं, वो उधर देखिए बच्चों आप। विदेशी व्यापार के दो पहलू होते हैं, क्या होते हैं? पहला होता है आयात और दूसरा होता है निर्यात। ठीक है, आयात से बच्चों आप क्या समझते हैं? आयात मतलब होता है जो हम दूसरे देशों से जो सामान हम लेते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आयात। और निर्यात मतलब होता है जो हम अपने देश के बने हुए जो हमारे जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं उन सामानों को जो हम दूसरे देशों तक पहुँचाते हैं, यानी हम दूसरे देशों को के बीच विक्रय करते हैं, बेचते हैं, उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। ठीक है, आयात हम कौन कौन सी चीजों का आयात करते हैं दूसरे देशों से? जैसे मान लीजिए हम चाइना से बिजली के उपकरण मंगाते हैं, जैसे चाइनीज बल्ब, चाइनीज खिलौने हम मंगाते हैं। क्यों मंगाते हैं? क्योंकि हमें वो खरीदने में क्या पड़ते हैं? हमारे हमारी मांग और हमारे मूल्य के अनुसार होता है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं? ज्यादातर चाइनीज प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में यानी बिजली के उपकरणों में हम ज्यादातर चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम निर्यात कौन कौन सी चीज कौन कौन सी वस्तुओं का करते हैं? हमारे देश से कौन कौन सी वस्तुओं का दूसरे देशों में निर्यात होता है? हमारे देश से जैसे होता है क्या नाम है, जम्मू एंड कश्मीर से क्या सेब, वहाँ सेब बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ का हम अपने देश से सेब का निर्यात करते हैं, चाय और कॉफी का निर्यात करते हैं। तो ये होता है हम अपने देश के जो वस्तुओं को दूसरे देशों में बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? निर्यात। तो बच्चों आपको समझ में आया कि विदेशी व्यापार के कितने पहलू होते हैं? बताइए, दो पहलू। विदेशी व्यापार के दो पहलू होते हैं, पहला होता है आयात और दूसरा होता है निर्यात। आयात और निर्यात के बिना हमारा विदेशी व्यापार संभव नहीं है।
ठीक है। तो आप आयात और निर्यात को समझ चुके हैं। अब है विदेशी व्यापार के लाभ। विदेशी व्यापार से क्या क्या लाभ होते हैं, हमारे देश को विदेशी व्यापार से किए गए क्या क्या लाभ होते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो हमारे ये पांच विदेशी व्यापार से होने वाले लाभ हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहला है प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन, मतलब कि हम जो भी प्रकृति से उत्पन्न जो भी संसाधन है उसका क्या करते हैं, पूर्ण मतलब पूरा इस्तेमाल करते हैं उसको। हर व्यापार करने के लिए विदेशों में उसको हम क्या करते हैं, पूरी तरह से उसका इस्तेमाल यानी उसका प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, प्रकृति संसाधन कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे कोयला जो हमें प्रकृति से मिलता है, जैसे ईंधन हो गया, तेल हो गया और लकड़ी हो गया, ये सब क्या होता है, हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो इन संसाधनों का हम विदेशी व्यापार के दौरान पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, पहला हमारा है प्रकृति संसाधनों का पूर्ण दोहन, ठीक है। दूसरा है कृषि व उद्योगों का विकास। कृषि व उद्योगों का विकास कैसे होता है, क्योंकि देखो जैसे हम हमारे यहाँ गेहूँ होता है, अगर विदेशों में बाहर के देशों से हमें गेहूँ और चावल दालों आदि का मांग ज्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, कृषि को और बेहतर तरीके से उसका क्या करते हैं, विकास करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। उद्योगों में भी यही है, जैसे हमारे यहाँ आगरा में क्या है, वहाँ का लेकर यानी चमड़ों की चीजों का बहुत ज्यादा वो होता है, उद्योग होता है वहाँ पे, बहुत ज्यादा काम होता है चमड़े का, तो इस वजह से उसकी जो उन उद्योगों का विकास अधिक होता है जिनकी दूसरे देशों से जिन वस्तुओं की मांग होती है। तो हमारा दूसरा हो गया कृषि व उद्योगों का विकास। तीसरा पॉइंट है हमारा आवश्यकता की वस्तुओं की प्राप्ति, जैसे जो भी हमें आवश्यक वस्तु होती है, जैसे हमें बिजली के हमारी कीमत के अनुसार बिजली के उपकरण चाहिए होते हैं, तो LED बल्ब है वो हमें क्या होता है, वो हमारी बिजली की खपत को कम करता है, तो वो कहाँ से हम आवश्यक चीजें वस्तु मंगाते हैं, हम चाइना से मंगाते हैं, जैसे बच्चों के लिए खिलौने हो गए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक या वो गैजेट्स हो गए, ये क्या होते हैं, हमारे मोबाइल के चार्जर्स हो गए, ये हमें कम कीमत पे विदेशों से हमें हमारी जरूरतों की चीजें प्राप्त हो जाती हैं। तो हमारा विदेशी व्यापार से लाभ क्या होता है, आवश्यक हमें जो भी चीजों की जरूरत होती है कम कीमत पे हमें प्राप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम, हमारा ये हो गया आवश्यक आवश्यकता की वस्तुओं की प्राप्ति, ठीक है। चौथा है उत्पादकों को, मतलब कि जो भी हमारे यहाँ कोई भी उत्पादक है, जो भी प्रोडक्शन करते हैं, जो भी सामान हमारे यहाँ बनाते हैं, उनको विदेशी व्यापार से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो क्या होता है उनको आर्थिक लाभ होता है, और जिससे हमारे देश का क्या होता है, आर्थिक विकास भी होता है। तो हमारा पांचवा पॉइंट है देश का आर्थिक विकास, यानी हमारे विदेशी व्यापार से क्रय विक्रय से आयात निर्यात से हमें क्या नाम है, हमारे देश को आर्थिक लाभ भी होता है, ठीक है। इसके आपको विदेशी व्यापार के पांचों पॉइंट समझ में आया बच्चों। पहला होता है प्रकृति संसाधनों का पूर्ण दोहन, मतलब की प्रकृति से प्राप्त जितने भी संसाधन है, जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनको हम पूर्ण रूप से पूरे अच्छे तरीके से क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं विदेशी व्यापार के लिए, ठीक है। दूसरा है कृषि व उद्योगों का विकास, यानी कृषि से जितने भी हमारे उत्पादन जितने भी उत्पाद हैं जो हमारे विदेशों से हम जो मांग की जाती है उनका क्या करते हैं, हम विकास करते हैं, ठीक है। और तीसरा है आवश्यकताओं आवश्यकता की वस्तुओं की प्राप्ति, यानी जो हमें जरूरत की चीजें होती हैं, जो हमारे रोजमर्रा के लिए जरूरी होती है, उन वस्तुओं को हम कम कीमत में प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और चौथा है उत्पादकों को लाभ, जब हमारा विदेशी व्यापार होता है, विदेशों से आयात निर्यात होता है, तो जितने जो हमारे यहाँ उत्पादक होते हैं, जो जिनकी वस्तुओं को हम विदेशों में निर्यात करते हैं, उनको क्या होता है, उनको लाभ पहुंचता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, ठीक है। और पांचवा है देश का आर्थिक विकास। देश का आर्थिक विकास कैसे है, क्योंकि जब हम विदेशों से विदेशी मुद्रा प्राप्त करेंगे तो हमारे आर्थिक विकास में क्या होता है, आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। तो आपको समझ में आया विदेशी व्यापार के पहलू कौन से होते हैं, आयात और निर्यात होते हैं, ठीक है, और विदेशी व्यापार के लाभ कौन कौन से होते हैं, प्रकृति संसाधनों का पूर्ण दोहन, कृषि व उद्योगों का विकास, आवश्यकता की वस्तुओं की प्राप्ति, उत्पादकों को लाभ और देश का आर्थिक विकास होता है, ठीक है। तो बच्चों अब इसके अलावा मैं आपको
ठीक है। तो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ विदेशी व्यापार से होने वाले रोग। विदेशी व्यापार बच्चों, जितना अभी मैंने पढ़ाया है विदेशी व्यापार क्या होता है,
बार मैं आपको फिर से वो एडवाइस करवाती हूँ, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी कि आपको कितना समझ में आया होगा और कितना नहीं, ठीक है। तो बच्चों, विदेशी व्यापार क्या होता है? विदेशी व्यापार जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है तो उसे क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार, ठीक है। और विदेशी व्यापार के कितने पहलू होते हैं? विदेशी व्यापार के दो पहलू होते हैं, आयात और निर्यात, ठीक है। आयात क्या होता है? जो हम बाहरी देशों से वस्तुओं को अपने देश में मंगाते हैं उन्हें उसे क्या कहते हैं? आयात। और जो हम अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को विदेशों में बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? निर्यात, ठीक है। और विदेशी व्यापार के कुछ लाभ होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, मतलब कि हम जितने भी प्रकृति से उत्पन्न जितने भी संसाधन है उनका हम पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, हम अपने और हमारा आदेश के आर्थिक विकास होता है, ठीक है। तीसरा है, हमारे जो भी उत्पादक जो भी औद्योगिक जो भी पूंजीपति है उनका विकास होता है, उनका आर्थिक विकास होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ दोष भी हैं हमारे विदेशी व्यापार के। पहला है, जो भी आपने अभी मैंने बताया है, आत्मनिर्भरता में कमी होती है, क्योंकि हम ज़्यादातर दूसरे उत्पादों यानी देशों से मंगाए हुई चीज़ों पर हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, वही वस्तुएँ हम पसंद करते हैं। तो दूसरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा में कमी हो जाती है, मतलब कि जब हम एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार करते हैं तो हमारी जो भी सीमा की सुरक्षा है वो हम उसमें हमारे कमी आ जाती है, ठीक है। देश के औद्योगिक विकास में बाधा हो जाती है, मतलब कि जब हम किसी दूसरे देश की वस्तुओं पर निर्भर हो जाते हैं तो उसका उत्पादन हम अपने देश में नहीं करते हैं, इससे क्या होता है? हमारे औद्योगिक विकास में बाधा आ जाती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी जिसका आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है, और जिसको पता हो वही उत्तर देगा। तो बच्चों आप बताइए, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार वह व्यापार है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार हुआ हो उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। मतलब कि विदेशी व्यापार से क्या मतलब है? जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार। अब ये बताइए सौम्या, की विदेशी व्यापार के दो पहलू कौन कौन से हैं? दो पहलू, पहला आयात, दूसरा निर्यात। विदेशी व्यापार के दो पहलू कौन से हैं? विदेशी व्यापार वह व्यापार होता है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और समझ में आया बच्चों? पहले प्रश्न का उत्तर है, दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, ठीक है। अब दूसरा है, विदेशी व्यापार के पहलू, तो दूसरा उत्तर हो गया हमारा, विदेशी व्यापार के कौन कौन से पहलू होते हैं बच्चों? पहला आयात, दूसरा निर्यात। पहला आयात होता है और दूसरा होता है निर्यात। आयात से बच्चों आप क्या समझते हैं? जब हम कोई वस्तु दूसरे देश से अपने देश में लाते हैं तो उसे आयात कहते हैं, और जब निर्यात जब हम अपने देश से बाहर भेजते हैं। शाबाश, मतलब आयात मतलब होता है जब हम दूसरे देश की वस्तुओं को अपने देश में मंगवाते हैं तो उसे हम आयात कहते हैं, निर्यात मतलब
कृषि व उद्योगों का विकास और दूसरा है देश का आर्थिक विकास। मतलब कृषि व उद्योगों का विकास मतलब होता है जब हम बाहर अपने देश की बनी हुई चीजों को जैसे उत्पादन हो हम दूसरे देश में जब हम विक्रय यानी बेचते हैं तो उससे हमारे क्या होता है कृषि व उद्योगों का विकास होता है। तीसरा है जब हम विदेशों में आयात निर्यात करते हैं तो हमारे देश का क्या होता है आर्थिक विकास होता है, हमें विदेशियों विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिससे हमारे देश का क्या होता है आर्थिक विकास होता है। अब ये बच्चों ये बताइए कि विदेशी व्यापार से हमें कुछ दोष कुछ हानियां भी होती हैं, जिसमें से आप किसी एक हानि के बारे में मुझे बताइए। आत्मनिर्भरता में कमी। शाबाश, आत्मनिर्भरता में कमी वो कैसे होती है कि जैसे हम दूसरे देशों के उत्पादक पे हम ज्यादा निर्भर करते हैं, जैसे हम दूसरे देशों से मंगाए हुई वस्तुओं पे ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो हम अपने देश में उस चीज का उत्पादन नहीं करते हैं, जिससे क्या होती है हमारे देश की हमारे देश में आत्मनिर्भरता की कमी हो जाती है। शाबाश बच्चों। जो भी मैंने आपको अभी बोर्ड पे जो भी मैंने लिखा है वो आपने अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लिया बच्चों। शाबाश। अब मैं आपसे कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न करूंगी जिसका आप सही व गलत में उत्तर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको ये दिख रहा है? यस मैम। नजर आ रहा है? ठीक है। अब ये बताइए दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाले व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं? यस मैम, सही 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 है। मतलब दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार। शाबाश। अब बताइए बच्चों विदेशी व्यापार के तीन पहलू होते हैं? गलत। सही है या गलत? गलत। शाबाश। विदेशी व्यापार के दो पहलू होते हैं, पहला होता है आयात, दूसरा होता है निर्यात। अब बच्चों ये बताइए आयात विदेशी व्यापार का पहलू है? यस मैम, सही। शाबाश। आयात विदेशी व्यापार का पहलू है। विदेशी व्यापार के दो पहलू होते हैं, पहला होता है आयात और दूसरा होता है निर्यात, ठीक है। अब बच्चों आपका जितना मैंने आपको विदेशी व्यापार के बारे में बताया वो आपको समझ में आया? यस मैम। शाबाश। अब मैं आपको इसी से संबंधित कुछ गृह कार्य दूंगी जिसको आपको करके आना है। पहला है कहना विदेशी व्यापार होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं आपको पढ़ के आना है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है हमारा कि विदेशी व्यापार से होने वाले हानियां क्या क्या होती हैं उसका आप अध्ययन करके आइएगा, ठीक है। तो हमारे गृह कार्य के कितने प्रश्न हो गए? दो प्रश्न हो गए। पहला है विदेशी व्यापार क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है हमारा विदेशी व्यापार से होने वाली क्या क्या हानियां होती हैं वो आप उसका अच्छे प्रकार से अध्ययन करके आइएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू क्लास।